अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉर्न हंग्री। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएंगे ढाबे वाले स्टाइल से तड़का, छिलके वाली जो उड़द दाल होती है और चना दाल के साथ। इसको सबसे पहले रात भर भिगो के छोड़ देंगे, उसके बाद इसको छान करके अच्छी तरह से धो करके कुकर में डालेंगे। आप चाहें तो इसको नॉर्मल देगची में भी पका सकते हैं, हमने कुकर में बनाया है। पहले इसको गला लेना है, उसमें एक चम्मच अदरक और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डालना है। और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे एक चम्मच जैसे टीस्पून से, और लाल नमक डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक और मिर्च। और साथ ही साथ हम लाल मिर्च भी डाल देंगे इसमें। इसके बाद हम तीन से चार टमाटर डालेंगे, अगर बड़े बड़े हों तो तीन ही डालिए, अगर छोटा है तो चार डालिए। और पानी इतना अंदाज से डालना है कि उसमें अच्छी तरह से गल जाए। और ये तीन तेज़पत्ता भी डालेंगे, और इसको कुकर में तीन से चार सीटी लगाना है। पहले दो सीटी तेज़ आंच पे, उसके बाद धीमा कर देंगे ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। देखिए अच्छी तरह से गल चुका है ये, और टमाटर को इसी में हम लोग मैश कर देंगे। बहुत दाल को अच्छे दाल को खूब बहुत ज़्यादा नहीं मलना है, इतना कि मुंह में उसका क्रंच आए। और टमाटर को इसी कड़छुल के सहायता से या मैशर के सहायता से इसको मिक्स कर लेना है, और इसमें से जो तेज़पत्ता है उसको निकाल के हटा देंगे। देखिए टमाटर इतना गल चुका है कि अच्छी तरह से घुल गया इसमें। अब हम एक कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल दो टेबल स्पून से, और उसमें जीरा का तड़का लगाएंगे और चॉप किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च महीन कतरा हुआ उसको डाल के उसका छौंका लगाएंगे। और उसी में फिर हम एक प्याज का भी चॉप किया हुआ प्याज भी डालेंगे, डालेंगे। आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, मुझे हींग का फ्लेवर महक पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। जब अच्छी तरह से ये लाल हो जाए, बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है इसको, ये दाल अच्छी तरह से पका हुआ है, गला हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे इसकी कलर बहुत अच्छा सा आएगा और खूबसूरत भी देखने में लगेगा तड़का। अब इसमें हम जो दाल गला के रखे थे, दाल टमाटर और सब, उसको इसमें डाल देना है। कितना आसान वे में बन गया दाल का, ढाबे की तरह एकदम से, जिसका फ्लेवर आएगा ढाबे की तरह। आप इसे रोटी से खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, चपाती रोटी के साथ खाएं, बहुत अच्छा लग रहा है लगेगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और ऊपर से हम कुछ मसाले डालेंगे और काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा और इसमें नमक आप टेस्ट कर लें, उसके हिसाब से नमक डालें। चटपटा, तीखा और बहुत टेस्टी तड़का बना है। अब इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। ये काली मिर्च पाउडर एक चम्मच जैसा ऊपर से डालिए थोड़ा सा। ये भुना जीरा हुआ पाउडर है, ये हम डालेंगे एक चम्मच। और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, उसको डाल करके, ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि सब रोस्टेड है, तो उसको बस हल्का सा बॉयल आने तक इसको डालें। और ऊपर से कसूरी मेथी डालेंगे, आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं, धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। ये अच्छे से एक बॉयल आ जाएगा, उसके ऊपर कसूरी मेथी डाल के इसे हम फिनिश करेंगे।
अहिल्या का ऑर्डर नहीं है ना, टेस्ट कराना। जोर दे के तो नहीं बोल सकते बड़े भाई हैं। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कैसा बना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऊपर से थोड़ा बटर डाल दीजिए आप। आप चाहें तो घी भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये अदरक का जूलियन कटा हुआ है। ये कंप्लीट हो गया हमारा दाल तड़का ढाबे स्टाइल में। लाइक करें, शेयर करें।